जैसे भट्ट जी ने बहुत अच्छे अच्छे दोहे सुनाए उनके, एक दोहा, तन से भारी सांस है इसे समझ लो फूक, मुर्दा जल में तैरता जिंदा जाता डूब। वो उनकी बातचीत में एक थिरकन थी, जैसे शायद चर्चा हुई यो वो जो मेरा नाम जोकर का गीत था, ए भाई जरा देख के चलो, जो संगीतकार जी थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, भाई इस पर धुन कैसे बनेगी, तब मीरज जी ने अपना तरन्नुम दिया और उस पर वो धुन तैयार हुई। तो वो तो एक सामान्य बात भी कहते थे, गीत भी गाते थे, आदमी को आदमी बनाने के लिए, हाँ आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए आदमी। तो वो कुछ भी कहें, वो दर्शन की बात जब करते हैं, हर धर्म के आदेश को माना मैंने, दर्शन के हर एक सूत्र को छाना मैंने, जब जान लिया सब कुछ तो ऐ नीरज यही जाना है कि कुछ न जाना मैंने। तो चाहे वो विरह की बात करें, एक आशावादी चिंतन को से हमें परिचित कराएं कि कफन को देख के क्यों नजर तू डब दबा गई, सिंगार क्यों सहम गया, बहार क्यों लजा गई, न जिंदगी कुछ न मौत कुछ, बस इतनी सी तो बात है किसी की आंख खुल गई किसी को नींद आ गई। और अब मैं एक उनकी बहुत ही लोकप्रिय गजल जो अभी तक सुनाई नहीं गई है उसको सुना रहा हूँ। अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई, अब के सावन में जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई, अब के सावन में हर गलत मोड़ पे टोका है किसी ने मुझको, हर गलत मोड़ पे टोका है किसी ने मुझको, एक आवाज तेरी जब से मेरे साथ हुई, अब के सावन में आप मत पूछिए क्या हम पे सफर में गुजरी, आप मत पूछिए क्या हम पे सफर में गुजरी, था लुटेरों का जहां गांव वहीं रात हुई, अब के सावन में। अब जो इसका आखिरी शेर है, इसे नीरज जी ने, जब मैंने पहली बार उनको रूबरू सुना था तब उस समय इंदिरा जी पीएम थी और वो गरीबी हटाओ का वो चल रहा था मूवमेंट, तब वो इसको इस तरह पढ़ते थे, मैंने पूछा कि मेरे देश की हालत क्या है, मैंने पूछा कि मेरे देश की हालत क्या है, एक भिखारी से तभी मेरी मुलाकात हुई। अब फिर बाद में कुछ समय बाद जरा आतंकवाद आया तो नीरज जी ने भिखारी की जगह लुटेरा कर दिया। अब नीरज जी तो नहीं है तो अब हम लोगों का फर्ज बनता है कि यहाँ हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो वो नीरज जी के बिहाफ पे थोड़ा सा चेंज, ये बस आखिरी शेर सुना के मैं अपनी जगह लूँगा।
मैंने पूछा कि मेरे देश की हालत क्या है, मैंने पूछा कि मेरे देश की हालत क्या है। एक मदारी से तभी मेरी मुलाकात हुई, अब के सावन